अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि यार आप सबको पता होगा कि कोरोना वायरस चल रहा है, जिसकी वजह से पूरी दुनिया के अंदर लॉकडाउन किया गया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर 14 दिन का लॉकडाउन है और इंडिया के अंदर 21 दिन का लॉकडाउन है, जिसकी वजह से यार यूट्यूब जो चैनल्स है वो भी लॉकडाउन हो चुके हैं। यूट्यूब चैनल के लॉकडाउन होने का मेरा मतलब ये है कि जो यूट्यूबर्स हैं, व्लॉगर्स हैं, प्रैंक वीडियो शूट करने वाले और कॉमेडी वीडियो शूट करने वाले हैं, उनके चैनल भी बिल्कुल ठप हो चुके हैं। उनके चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रही क्योंकि वो बाहर जाके वीडियोज बनाते हैं, जैसे कि व्लॉगर्स हैं वो बाहर जाके व्लॉग्स बनाते हैं, प्रैंक वीडियो शूट करने वाले बाहर जाके प्रैंक अपने वीडियो शूट करते हैं, और जो कॉमेडी वीडियो वाले हैं वो जाके बाहर ही अपनी कॉमेडी वीडियो शूट करते हैं। तो लॉकडाउन की वजह से जो व्लॉगर्स, प्रैंकस्टर्स और कॉमेडी वीडियो वाले हैं वो घर से बाहर नहीं जा रहे, जिसकी वजह से उनके चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रही। हाँ, कुछ ऐसे यूट्यूबर्स हैं जो घर में बैठ कर वीडियो बनाते हैं, जैसे कि मैं टेक यूट्यूबर हूँ तो मैं घर में बैठ कर वीडियो बना रहा हूँ, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है लॉकडाउन की वजह से। लेकिन जो लोग घर से बाहर जाके अपनी वीडियोज बनाते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है लॉकडाउन। हाँ दोस्तों, कुछ ऐसे व्लॉगर्स हैं जो कि डेली व्लॉगिंग करते हैं, जैसा कि जैनुल आबिदीन, वो अभी भी अपने घर में बैठ के व्लॉग शूट कर रहा है, व्लॉग अपलोड कर रहा है डेली रूटीन पर। लेकिन कुछ ऐसे व्लॉगर्स भी हैं जो कि ट्रैवल व्लॉग बनाते हैं, जैसा कि मुंबई का निखिल और MS के व्लॉग्स हैं, वो ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हैं, तो लॉकडाउन की वजह से वो घर से बाहर नहीं जा रहे, जिसकी वजह से वो कोई वीडियो भी शूट नहीं कर पा रहे और जिसकी वजह से उनके चैनल पर कोई वीडियो नहीं आ रही। हाँ तो दोस्तों, यूट्यूब का एल्गोरिथम है, अगर आप एक समय के लिए अपने चैनल पर वीडियो अपलोड नहीं करते तो आपका जो चैनल की रीच है वो बहुत कम हो जाएगी, आपके चैनल पर जो व्यूज है वो बहुत कम आएंगे। हाँ तो दोस्तों, यूट्यूब के एल्गोरिथम को मेंटेन करने के लिए मैं आपको एक चीज कहता हूँ, अगर आपके चैनल पर लाइव का ऑप्शन अवेलेबल है तो आप अपने चैनल पर एक दो दिन बाद लाइव आ जाइए। आप एक पोस्ट करके बता दीजिए अपने जो आपके व्यूवर्स हैं, सब्सक्राइबर्स हैं, उनको बता दीजिए कि मैं 10 बजे रात को या जितने बजे भी आपने लाइव आना हो आप वो बता दें कि मैं इतने बजे लाइव आया करूंगा रोजाना, तो आप इस तरह यूट्यूब के एल्गोरिथम को मेंटेन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वो बंदे हैं जिनके चैनल पर अभी लाइव की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है तो आप अपने जो सोशल साइट्स हैं जैसे कि इंस्टाग्राम वगैरह है उन पर लाइव आ सकते हैं। इससे ये होगा कि आप अपनी जो ऑडियंस है, आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, उनके साथ रीच आउट कर पाएंगे, यानी कि उनको आप अपने तक ही महदूद कर सकेंगे। अगर आपके जो सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं, वो एक मरतबा आपको भूल गए तो उनका वापस आना बहुत मुश्किल है। हाँ तो दोस्तों, अगर आप लाइव जाते हैं तो इससे जो आपके रीच आउट है वो ज्यादा होगी, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता होगा क्वारंटाइन चल रहा है, सब लोग अपने घरों के अंदर सेव स्टे एट होम स्टे सेफ, जिसकी वजह से अगर आप लाइव आते हैं तो आपके जो ऑडियंस का रीच आउट है वो भी ज्यादा होगा, क्योंकि सब लोग घर में हैं तो ज्यादा से ज्यादा लोग आपके जो लाइव चैट है वो देखेंगे। हाँ दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अपनी जो ऑडियंस है उनके साथ एक रीच आउट बना के रखें, किसी भी थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, या फिर आप अपने चैनल के थ्रू बना लें, या फिर आप अगर कोई कॉमेडी वीडियो शूट करने वाले हैं, प्रैंकस्टर हैं या व्लॉगर हैं, तो आप अपने घर में बैठ के भी वीडियो शूट कर सकते हैं। वो इस तरह से कि आप उनको मोटिवेशन दें कि मैंने जो जो जर्नी स्टार्ट की है व्लॉगिंग की, प्रैंकस्टर की या कॉमेडी वीडियो की, मैंने किसे इंस्पायर होकर की है, या किस तरह से मेरे दिमाग में आइडिया आया था मैं व्लॉग शूट करूँ या प्रैंक वीडियो शूट करूँ या फिर कॉमेडी वीडियो शूट करूँ, मुख्तलिफ मुख्तलिफ जैसे कि आपके चैनल से, आप उस तरह की उनको इंस्पायरिंग वीडियो प्रोवाइड कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो यूट्यूब का एल्गोरिथम है वो भी मेंटेन रहेगा और आपकी जो ऑडियंस की रीच आउट है वो भी आपके पास ही रहेगी, यानी कि आपके ऑडियंस जो है वो आपके पास रहेंगे, किसी और के पास नहीं जाएंगे। हाँ तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताइएगा कि आपको हमारी आज की वीडियो कैसे लगी, मुझे किन टॉपिक्स पर वीडियोस बनानी चाहिए।